Masha's Tales. पता है मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है। जब मिलते हैं तोहफे और आता है बहुत मजा। पर याद रहे, पटाखे फोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अगर उन्हें गलत तरीके से जलाया गया तो उनका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। बस ये कहानी सुन लो। The Snow Maiden. एक बूढ़े अंकल थे जो अपनी पत्नी के साथ बर्फीले मैदान के पास रहते थे। उनके बच्चे शहर रहने चले गए थे और उनके बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो बस गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने आते थे और सर्दियों में बूढ़े अंकल और उनकी बूढ़ी पत्नी को उन बच्चों की याद बहुत सताती थी। वो दिन भर खिड़की के पास बैठे रहते थे और दुख भरी आँखों से पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देखते थे। एक दिन बूढ़े अंकल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, सुनो मेरी प्यारी, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर बर्फ में से अपने लिए एक पोती बना ले। बूढ़ी आंटी को बूढ़े अंकल का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। वो दोनों भागते हुए बाहर गए और उन्होंने बर्फ से अपने लिए एक पोती बनाना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा बर्फ का गोला बनाया और दोनों बहुत थक गए। ये तो अच्छा हुआ कि बाहर बर्फ में खेल रहे बच्चों ने उनकी मदद की। उन्होंने बर्फ के गोले पर हाथ और पैर लगाए और फिर सबसे ऊपर उन्होंने रखा उसका सिर। बूढ़े अंकल ने बनाई उसकी आँखें, उसकी नाक और उसका मुँह। और फिर बूढ़ी आंटी ने लगाए उसके कान और वो बर्फ की बच्ची बड़ी ही प्यारी लगने लगी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। अचानक उस गुड़िया ने अपनी आंखें झपकाई और वो जिंदा हो गई। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी तो खुशी से झूम उठे और उन्होंने उस लड़की का नाम रखा स्नो मेडन। स्नो मेडन तेजी से बढ़ने लगी थी और बसंत के आने तक तो वो अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। वैसे वो दिखने में तो बड़ी थी पर दिल से अब भी एक बच्ची ही थी। वो हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह शरारतें करती रहती थी। उसने घर की घड़ी तोड़ी और अपनी सबसे अच्छी ड्रेस फाड़ दी। बूढ़े अंकल को घड़ी ठीक करनी पड़ी और बूढ़ी आंटी ने उसकी ड्रेस सी दी। वक्त तेजी से निकल रहा था और जल्द ही बसंत का मौसम आ गया, जैसे कि एक कहानी में होता है। घास है हरी हरी, सूरज है चमकीला, बसंत का है मौसम आया, सब कुछ हो गया रंगीला। पर स्नो मेडन बहुत ही दुखी थी क्योंकि बूढ़े अंकल और आंटी उसे बाहर भेजने से डर रहे थे। अगर वो पिघल जाती तो, और बसंत के बाद आया गर्मियों का मौसम। सभी लोग तैर रहे थे, मजे कर रहे थे, पर स्नो मेडन खिड़की के पास बैठकर सब देख रही थी। बूढ़े अंकल और आंटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो हर रोज अपने बच्चों को चिट्ठियां लिखकर बच्चों के साथ वहां बुला रहे थे क्योंकि स्नो मेडन अकेले बहुत ही दुखी थी और हर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए बूढ़े अंकल और आंटी ने स्नो मेडन को खिड़की से दूर रहने के लिए कहा। और जब घर में भी गर्मी बढ़ने लगी तो उन्होंने तय किया कि दिन में उसे रेफ्रिजरेटर में रखना ही सही होगा। एक बच्चे के लिए ऐसा जीना भी कोई जीना है भला, रेफ्रिजरेटर में बैठे रहना और चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाना। आखिरकार उन्हें शहर से एक टेलीग्राम आया, छुट्टी हो गई, हम सब आ रहे हैं। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी खुशी से नाचने लगे, जैसे कि वो जवान हो गए हों। और उन्होंने स्नो मेडन से कहा, तुम्हें बस थोड़ी ही देर और ये सब सहना होगा। हमारे वापस आने तक तुम बस रेफ्रिजरेटर में ही बैठी रहना। हम बस अपने पोते पोती को स्टेशन से लाने जा रहे हैं और वापस आते वक्त हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएंगे। और फिर वो चले गए। शाम हो गई। स्नो मेडन ने सोचा कि चलो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलकर खिड़की से देखा जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं। पड़ोस के बच्चे बाहर ही थे और आग के पास नाच रहे थे और फिर उन्होंने आग के ऊपर से छलांग लगाना शुरू किया। स्नो मेडन भी उनके पास जाकर उनके साथ खेलना और उछलना चाहती थी और वो सारी वार्निंग्स भूल गई और बाहर आ गई। फिर उसने सबको सरप्राइज देने का फैसला किया और वो वापस घर के अंदर जाकर पटाखे ले आई। फिर वो आग के पास गई और उस पर छलांग लगाई और फिर पता है क्या हुआ, वो स्नो मेडन बदल गई एक छोटे से सफेद बादल में। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी स्टेशन से अपने पोता पोती को लेकर वापस आ गए और उन्होंने एक दुखी नन्हे बादल को अपने घर के ऊपर झूलते हुए देखा और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, बच्चों कभी आग के साथ मत खेलो और प्लीज रोना नहीं दादा दादी।
मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी सर्दियों में, वो भी बर्फ बनकर, ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। तो तुम आग और पटाखे से खेलने के खतरों के बारे में सब समझ गए क्यों, है ना? तो फिर मैरी क्रिसमस।